राहुल गांधी की हालिया बरतानिया फेरी के दौरान उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के संबंध में बड़िया बेबाकी टिप्पणियां की और उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरह के होर बहुत सारे मतलब प्रगटावे उन्होंने वालों किए गए। जदों वह वतन परते तो पार्लीमेंट के हंगामा शुरू हो गया और जी भाजपा है मतलब सत्ताधारी पार्टी उसने कहा कि राहुल गांधी माफ़ी मंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि चलो मैं जो कहा मैं उस तो मुकरदा नहीं हाँ पर मैं उसका जवाब पार्लीमेंट दूंगा। लेकिन पार्लीमेंट के राहुल गांधी जवाब देने वाली नौबत ही नहीं आई। राहुल गांधी ने कहा कि जदों मैं कितने बोलना कुछ जे मैं ये कहना कि चीन साढ़ा 2000 किलोमीटर इलाका दब के बह गया तो तुम मेरा माइक बंद कर दें। जे मैं कहना कि अडानी के संबंध में तहकीकात करवाई जाए तो तुम मेरा माइक बंद कर दें। और यह देखा गया कि स्पीकर कह रहा कि माइक बंद कर दो। वो कहते भी यह फिर जो लोकतंत्र है तो फिर इस तरह क्यों किया जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि पता नहीं वो कौन ने लोग जिहड़े राहुल गांधी को ख़त्म करने की एक साजिश बनाई बैठे ने। दूजे पासे इल्जाम यह लाया जा रहा है कि राहुल गांधी लोकतंत्र का खात्मा चाहता है। हुण गल यह है कि लोकतंत्र दे विच हर व्यक्ति को संविधानिक तौर पर अपने विचारां दे प्रगटावे की मुकम्मल आज़ादी है और सुप्रीम कोर्ट कई बार यह कह चुकी है कि तुसी किसे नूं इस बिना ते मुजरम सिद्ध नहीं कर सकते कि वह लोकतंत्र के खिलाफ या किसी सियासी पार्टी के खिलाफ जां किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लिखता जां बोलता। लेकिन इस तरह दी बहुत सारिया उदाहरण ने कि जिहड़े बहुत बेबाकी नाल बोले पत्रकार उन्होंने जां तां जेलां च डक दिता गया जां फिर यह नहीं पता लग्या वह मर गए कि मारे किवें गए। तो यह सारिया घटनावां ने जे वाकई लोकतंत्र है तो फिर पार्लीमेंट के अंदर राहुल गांधी अपने विचार रखने तो क्यों वरजा जा रहा। हुण यह है कि लगातार हंगामा हो रहा और पार्लीमेंट के दोवें सदनों की कार्रवाई है जी हर रोज़ मुलतवी होंगी है। पहला एक बारी होंगी फिर दो बारी होंगी फिर सारे दिन वास्ते जो है सैशन उठा दिता जाता है। गल यह है कि जे भाजपा अडानी नहीं बचा रही, जे प्रधानमंत्री मोदी का अडानी के नाल कोई ताल्लुक नहीं तो फिर अडानी उन्हां चीज़ों के ठेके क्यों दिते गए ने जिन्हों बनाने कोई महारत नहीं। राफाल जहाज़ बनाने वास्ते भी मतलब अडानी जी की सहायता ली जा रही है और देश भी अडानी जी वेचया जा रहा। लोगों का मनना बहुत सारे एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, बंदरगाहां बेच दित्तियां गई ने, LIC का तुसी देखा दवाला निकल गया। हुण गल यह है कि सारियां गल्लां नूं लैके जदों राहुल गांधी पार्लीमेंट दे विच सरकार दी नुक्ताचीनी करदे ने तां फिर उह देश द्रोही हो जांदे ने। इत्थे उह हर व्यक्ति देश द्रोही है जिहड़ा कि लोकतंत्रिक कदरां कीमतां दी बहाली वास्ते आवाज़ बुलंद करदा, जो संविधान कदरां कीमतां दी राखी वास्ते अगे आउंदा वह व्यक्ति देश द्रोही हो जाता। लेकिन वह देश द्रोही नहीं हैं जिन्हां दे उत्पर गंभीर इल्जाम लगते रहे। BBC जे दस्तावेजी बनाउंदी है गोधरा कांड के संबंध में और तरह तरह के तथ्य पेश करती है तो वह राष्ट्रवाद पर हमला, भारतीय लोकतंत्र पर हमला, वो देश विरुद्ध रची गई एक साजिश है, वह झूठ का पलंदा है। जे हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट दिंदा है अडानी के संबंध में कि वह किड्डा वड्डा फ्रॉडेस्टर है तो वह झूठा है। मतलब गल की है कि जिहड़ी भी कोई अंतरराष्ट्रीय पद्धर की निरपक्ष एजेंसी साढ़े देश अंदर हुए किसी न किसी घोटाले के संबंध में या किसी बेइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है तो फिर वह साढ़े देश की दुश्मन बन जाती है। लेकिन गल यह है कि हकीकत खुद को मनवाती है ये मानी नहीं जाती, एक ना एक दिन सच जड़ा है सामने आता ही आता। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जे EVM मशीना हटा के वोट बैंक जड़ा जी वोटों का जी है प्रक्रिया इस बैलट पेपर नाल शुरू कर दिता जाए तो पता लग जाए कि सीना किन्ने इंच का, लेकिन यह होगा नहीं। और हुण जिहड़ा एक नवा ही मतलब कह लो कि तुसी टकवंज तैयार कर लिया वह है कि रिमोट मशीनां नाल भी वोटां पाईआं जा सकणगीआं, यानी कोई बंदा किते भी बैठ के रिमोट EVM दे नाल उस दे जरिए वोट पा सकेगा। बहुत सारिया विरोधी पार्टियां का कहना है कि यह भी एक नवा मतलब तंत्र है जिहदे राही सरकार जिहड़ी है वह अपने मन मर्जियां कर सकेगी। जिवें EVM मशीनां नूं हैक करके एक पार्टी विशेष दे हक विच वोटां पाईआं जांदीआं रहीआं ने उवें हुण इस नवीं मशीन नाल उस तो वध उद बढ़ेगी। इस बारे तुहाडा की विचार है जरूर दसना। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जिहड़े लिंक्स हेठां डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हां ते साडे नाल सांझ पाओ और राजमहल TV के YouTube चैनल में जरूर सबसक्राइब करो।